अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हमारा जो अत्थर और सरोबा के दरमियान पुल बनने जा रहा है उसके पिलर्स आपको दिखा रहा हूँ। ये पिलर्स बने हुए हैं फ़िलहाल, तो ये तीन पिलर तीन इस तरफ बन चुके हैं और दो इस तरफ, और ये लास्ट पिलर जो है इसके ऊपर काम शुरू है। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी आपको साथ साथ आगाह करता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाकी भी अपडेट्स आपको साथ साथ देता रहूँगा कि जो हमारा रोड शुरू हो चुका है लिल्ला और पिंड दादन खान के दरमियान, वो काफ़ी हद तक जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। और जो बिजली है उसका तो काफ़ी मसला है, सुबह 10 से लेकर शाम 6 या 7 बजे तक जाती रहेगी। 28 डेट तक कह रहे हैं कि ये जाएगी, लेकिन उस वक्त साथ साथ जो जितने भी खंभे लगे हुए हैं उनके ऊपर से वो तारें शिफ्ट कर रहे हैं, नए खंभे लगाए जा रहे हैं और खंभे लगाने के बाद उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो साथ साथ रोड की भी अपडेट ज़रूर दूँगा। तो फिलहाल तो नहर का बता रहा हूँ, ये पीछे पिलर देख सकते हैं, यहाँ से नीचे से गुजरेगी नहर और ऊपर से पुल बनेगा जो अत्थर और सरोबा के दरमियान बनाया जा रहा है। इसके ऊपर से रास्ता होगा गुजरने के लिए। इसके साथ एक पीछे और पुल बन रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो अत्थर में डिप्रेस कलवर्ट बन रही है, सरोबा में डिप्रेस कलवर्ट बन रही है, वो भी दिखाऊँगा। और अभी तो रोड के जो टोबा वाली साइड पर काम चल रहा है, टोबा से लेकर सरोबा तक दर साइडों पे वो खुदाई करके मिट्टी डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा जो बढ़ानी है उन्होंने दोनों तरफ। डुअल कह रही रोड बनना है, तो डुअल कह रही रोड जो इस वक्त उन्होंने बनाने का फैसला किया है उसके साइडों पे उन्होंने कहा है कि पहले हम खंबे साइड पे करेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है और साइडों से दरख्त भी काटे जा रहे हैं। तो ये तकरीबन मेरे सुनने में जो है कोई 4-1 करोड़ रुपये में ये ठेका हुआ है दरख्त का, जो लिल्ला इंटरचेंज से लेकर जेलम तक मुकम्मल, तो काफ़ी सस्ता ही हो गया है। मुकम्मल जितने भी छोटे बड़े दरख्त हैं सब कुछ उन्होंने 4 करोड़ में जो है ना वो इसका ठेका हुआ है। तो बाकी ये है कि जितना भी साइडों पे अभी काम हो जाए या होने जा रहा है वो आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें, अगर जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी वो प्लीज़ जाके देखें और मुकम्मल अपडेट उनमें से भी देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।